कोरोना महामारी से बचाव के लिए हमारे देश सहित विश्व के हर देश में टीकाकरण का कार्य बहुत तेजी से किया जा रहा है। हर देश अपने नागरिकों को इस महामारी से बचाना चाहता है। इसी कड़ी में सरकार द्वारा हमारे देश प्रदेश सहित जिले में भी टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। अभी तक टीकाकरण केंद्र के बाहर टीका लगवाने के लिए लोगों की लंबी लंबी कतारें लगी रहती थी, किंतु जैसे जैसे टीकाकरण आगे बढ़ा वैसे वैसे कतारें खत्म होने लगी। यह स्थिति तो शहरी एवं सड़क से लगे क्षेत्रों में देखी गई, किंतु सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में अभी भी बड़ी संख्या में लोगों को टीका लगाना बाकी है। सुदूर ग्रामीण इलाकों में शत प्रतिशत टीकाकरण करना प्रशासन के लिए चुनौती भरा कार्य है। सैकड़ों किलोमीटर में फैली चिनारदेव विधानसभा की दुर्गम भौगोलिक स्थिति एवं सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में एक ही जगह पर लोगों का एक साथ मिलना भी मुश्किल है। ऐसी स्थिति में स्वास्थ्य अमले को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन को कई वाहनों की आवश्यकता महसूस हो रही थी, जिससे कि वह गांव-गांव घूमकर लोगों को टीका लगा सके, किंतु पर्याप्त संसाधनों का अभाव एक बार फिर शत प्रतिशत लक्ष्य प्राप्ति में बाधा बन रहा था। संपूर्ण कोरोना काल में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ एवं सांसद नकुलनाथ से जुनारदेव विधानसभा में अनेकों सौगातें दिलाने के बाद आज फिर विधायक सुनील उइके ने अपनी विधानसभा में नेताद्वय के सहयोग से प्रशासन को एक निःशुल्क सर्व सुविधा युक्त वैक्सीनेशन वैन उपलब्ध कराया है, जो कि कई तरह की सुविधाओं से लैस है। कोरोना महामारी से बचाव के लिए जब तक शत प्रतिशत टीकाकरण नहीं हो जाता तब तक स्वास्थ्य अमले की आवश्यकता के अनुसार विधायक उइके के द्वारा यह सर्व सुविधायुक्त वैक्सीनेशन वैन उपलब्ध कराई गई है। इस अवसर पर विधायक सुनील उइके के साथ शहर कांग्रेस छिंदवाड़ा के कार्यकारी अध्यक्ष पप्पू यादव, वरिष्ठ कांग्रेस नेता मनोज सक्सेना, ब्लॉक कांग्रेस चिनारदेव के अध्यक्ष घनश्याम तिवारी, विनय राजपूत, जगदीश चंद्रवंशी, सुधीर लदरे, अरुण साहू एवं जितेंद्र अग्रवाल उपस्थित थे। प्रदेश और देश के अंदर लग रही है, तो उसी प्रकार कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी के निर्देश पर, क्योंकि बनारदो विधानसभा बड़ा दुर्गम स्थिति में बसा हुआ और मध्य प्रदेश का सबसे बड़ी विधानसभा होने के कारण कई बार बहुत सारी कठिनाइयों का सामना है। लोग जागरूक भी हुए हैं और प्रशासन शासन की मदद से, जनप्रतिनिधियों की मदद से लोग वैक्सीनेट तो हो रहे हैं, लेकिन आज भी ग्रामीण क्षेत्र में ऐसी जगह है जहाँ पर वैक्सीन नहीं लग पा रही है, नहीं पहुँच पा रही है। तो जिसको दृष्टिगत रखते हुए मैं और हमारे साथियों ने, हमारे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सहित सभी हमारे साथियों ने माननीय कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी से आग्रह किया, तो उनके निर्देश पर आज ये कोविड वैन यहाँ पे हमने कलेक्टर महोदय को सौंपी, जो कि अब एक या दो घंटे के बाद आदरणीय घनश्याम तिवारी जी ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष के द्वारा ब्लॉक बनारपुर में सौंपी जाएगी। और इस वैक्सीन वैन का उपयोग जो होगा दुर्गम क्षेत्र जहाँ पर लोग इकट्ठे नहीं हो पा रहे हैं, जहाँ लोग आ नहीं पा रहे हैं, ऐसी जगह में व्योमो अपनी टीम लगाती वैक्सीन पहुंचाती और गांव तक, ग्राम तक आती, छोड़ कर लोगों को वैक्सीन लगाने का काम करेंगे। और हमारा लक्ष्य है, माननीय कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी का निर्देश है कि 100% वैक्सीनेट कैसे हमारा हो, तो मेरा लक्ष्य है कि जिले में सबसे पहले जनार्दो हमारा वैक्सीनेट हो, ये हमारा लक्ष्य है। उसी के तहत आज माननीय कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी के सहयोग से यह वैन सौंपी गई है। BCN न्यूज़ के लिए छिंदवाड़ा से चंद्रशेखर शुक्रवार की रिपोर्ट।